दो दिन बाद पप्पा को बड़ी बड़ी दूर लेके गए हम। कैसे हैं जी आप सब लोग, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आसपास फैमिली। जिसने नहीं किया अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी करें, सब्सक्राइब और बन जाए आसपास फैमिली के मेंबर। वो ठीक रहा तो ऑफिशियल इंस्टा को भी जाके फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपको पीछे हमारे बैकग्राउंड चेंज नजर आ रहा होगा। तो फाइनली जी पप्पू को हम ले आए हैं घर, और घर आए पप्पू को छोड़ने की वजह क्या थी आहत बताएं जरा। यहाँ पर बहुत ज्यादा टफ चैलेंज होने वाला है। वो किसके दरमियान होने जा रहा है ये तो भाई अंदर जाकर पता चलेगा। तीन तीन खिलाड़ी हैं, या तो साहिबा भाभी और मोमना के साथ है, या आयशा और साहिबा भाभी का है चैलेंज। तो पुप्पो जी आपको क्या लगता है कि जिस खिलाड़ी को हम साथ लेकर आए हैं वो टक्कर गए, या जो आपके घर में मौजूद है वो टक्कर गए? आइए आपने बताना है, मुझे बताएं। काफी चैलेंजेस देखे हुए हैं, वो हिस्सा बनी हुई है उस चैलेंजेस का। तो बताएं पुप्पो किस में ज्यादा दम लग रहा है आपको, हमारे वाले में? दोनों बराबर ही होंगे। तो भाई चैलेंजर्स को मद्देनजर रखते हुए फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन किस मुकाबले का है। अंदर चलते हैं, सस्पेंस तोड़कर बताते हैं किसका चैलेंज किसके साथ। चलेंगे अंदर चलते हैं। पहुंच गए हैं, अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? कैसे रहे आपके दो दिन बाद पप्पा को बड़ी बड़ी दूर लेके गए हम। आपको पता है कि हम लोग अच्छा यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूँ, आयशा और मोमना आप सबके साथ एक चीज क्लियर कर दूँ कि हमारे यहाँ पर आने का मेन मकसद ये है कि हम आए हैं यहाँ पर एक चैलेंज के लिए। कौन सा चैलेंज? वो है जी फूड चैलेंज बिटवीन यू आयशा एंड साहिबा भाभी। वो भी आई है, आए भाभी? मैं भी। हाँ जी, तो क्या सीन है? देखेंगे कि चैलेंज किसके साथ करना है तीनों में से, वो हमारा चैलेंजर जो है ना वो डिसाइड करेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों से भी पूछूंगी कि जो हमारे घर से आया वो भारी है या आप दोनों भारी हैं? क्योंकि आप दोनों अच्छा चाहे तो लेकिन आज सबसे ज्यादा डिमांड जो आई थी ना वो आयशा और साहिबा के चैलेंज की आई थी, आयशा के साथ करे चैलेंज। तो रेडी है? मेरा चीज आती थी ना मोमना की जब प्रेग्नेंट। हाँ बिल्कुल। हम भी यही कमेंट्स को देखते हुए ही हमने डिसाइड किया है कि ये चैलेंज होने जा रहा है बिटवीन साहिबा भाभी और आयशा के। हाँ क्या पता, कुछ भी हो सकता है। यार मेरे हिसाब से दोनों सेम चैलेंजर्स हैं, दोनों का सेम। हाँ बिल्कुल टफ है वैसे इस दफा का चैलेंज, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये जो हमारा है ये साथ साथ रहता है। अच्छा अच्छा कुछ खाया तो नहीं हुआ वैसे कोई नाश्ता? चलो ठीक है। हाँ सोच लो क्या खाना है आप लोगों ने। मुझे पूरी भूख लग जाएगी। अच्छा
चलो चलो सोच लो कि खाना क्या है, फिर हम ऑर्डर भी कर देंगे, घंटा डेढ़ घंटा ऑर्डर में भी लगेगा। यहाँ पर पूछते हैं जी दोनों चैलेंजर से कि आपकी पसंद का हो फूड चैलेंज, या हम जो भी कहें वो आपको खाना पड़ेगा। मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं, मतलब खाने में जो भी आप दे दोगे खा लूंगी। जी भाभी नहीं तो ऐसे तो नहीं होता ना। जी अहद आप क्या कहते हैं, कोई ऑप्शन रख लो ना, क्या फास्ट फूड खाना चाह रहे हो, देसी फूड खाना चाह रहे हो, गोलगप्पे खाना चाह रहे हो। वैसे लेडीज में ज्यादा गोलगप्पे का चैलेंज होता है, लेकिन बहुत कर लिया। हाँ, और चीजें का कुछ पिज्जा चीजा बर्गर शर्गर खा लो। मैंने एक चैलेंज किया था इंसान को गुलगप्पे के साथ, बिरयानी खराब हो गई थी, दो दो प्लेट बिरयानी की मंगवा लो। अहद एक मिनट, जब हम ईद पर आए थे मोमना के घर, हमने वो खाए थे पराठा, क्रिस्प पराठा जलाल सन्स के। वो कर लो यार, वो स्पॉटर हो गई, लेकिन वो यहाँ से नहीं मिलेगा। वो कर लो जलाल सन्स के जो आपने खिलाए, वो इतना बड़ा। हाँ ये वो ही है, लेकिन यहाँ से नहीं मिलता। छोटा होता है इतना, एक इतना बड़ा रोल होगा, मोमना में खड़ी होंगे कितना बड़ा रोल है, हम वो करेंगे चैलेंज। लेकिन ना वो एक बंदा नहीं खा सकता, चैलेंज है ना वो, बहुत हैवी है। यानी कि समझ लो कि दो बंदे है ना, क्रिस्प पराठा भी इजीली वो छपाटा हो जाएगा। बड़ा पराठे वाला चैलेंज करें हम, तो फिर वही मंगवा लें, क्रिस्प पराठा बेस्ट रहेगा। पाँच पाँच बहुत है, पाँच पाँच बहुत है, दो यार। हमने जब खाया था ना ईद पे, तो गुलरेज और मैंने एक खाया था, मतलब आधा आधा खाया था, तो काफी हैवी था, तो आप लोगों के लिए हाँ वो चैलेंज नहीं था। तो हम तब 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 क्या होगा, तब ये होगा कि हम दो दो कर लेते हैं। हाँ दो दो वो कर ले, चपाटा रोल ही मुँह पे आ रहा है, क्रिस्प पराठा रोल एक ही कर ले, बस टाइम रख ले, कितने जल्दी खाना है। नहीं जी, दो 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 रखते हैं। और आयशा उसके बाद तुम तीन दिन कुछ ना खाना, तीन दिन नहीं ऐसा हो सकता। चले जी, इस टाइम जी पाँच बज रहे हैं, और जल्दी से ऑर्डर करें, क्योंकि हम कोक भी रखेंगे साथ, ड्रिंक वगैरह रखते हैं। चलो कोई नहीं, चले आहत पाँच बज गए हैं, और फिर भाई स्मोक भी होना शुरू हो जाएगी, हमने वापस भी जाना है, क्योंकि 40 मिनट्स जो है ना ऑर्डर आने में लगना है, तो फिर जैसे ऑर्डर आता फिर हम आपसे मिलते हैं। चलो वन आवर लेटर, लगता है ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गया है, अब वहां जाकर उनको देते हैं अंदर जाकर, और ऑर्डर में क्या आया वो आपको अंदर जाके दिखाते हैं। आ गया है जी ऑर्डर, चलो आ जाओ, चलो भाई चलो आ जाओ, ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गया। मैं प्लेट्स लेके मोमना से प्लेट लेके आता हूं, आप बैठे हैं, आपने बड़ा टफ चैलेंज किया, आप दोनों ने बड़ा टफ चैलेंज किया, आप बैठे, मैं इसको लेके आता हूं। ओके ये नहीं जी, आ गई है आप लोगों की ट्रे, ये हो गई दो आयशा के और दो हैं जी भाभी आपके, एक खाली गिलास आपका, एक खाली गिलास आपका। तो मैं ना इस ड्रिंक लेके तुम आपको डाल। चलिए जी, यहाँ पर दोनों चैलेंजर्स बैठ चुके हैं, टक्कर का मुकाबला है, दोनों की स्पीड भी बहुत अच्छी है, और ये क्रिस्प पराठा रोल भी दोनों के आगे आ चुके हैं। तो जी आप दोनों रेडी हैं? लेकिन नहीं, ये अटक भी सकता है और कुछ भी हो सकता है, हमने कहा कि जाने दो। तो बेस्ट ऑफ लक आप दोनों को, तो देखते हैं भाई कि कौन पहले खत्म करता है। तो चले जी, 3, 2, 1 एंड गो।
लेंगे। मुझे लग रहा है अशर वाला सारी है मम्मी पहली बार। आया मोमना एक तरफ है जी मोमना की ननद और एक तरफ है मेरी की भाभी। अब पता नहीं कि दोनों में से कौन है किसमें भाभी। एक तरफ मेरी ना एक तरफ मेरी भाभी। किसका साथ है कौन जीतेगा कौन जीतेगा। मुझे तो लग रहा है अभी कोई खाया नहीं। आयशा स्पीड आयशा आयशा जल्दी इस बंदी से जीतना बड़ा मुश्किल है। जीत जो आज रिकॉर्ड तोड़ दो। एक ही बहुत हैवी है यार। यही तो टफ है कि कौन जीतेगा। मेरा इससे खंड बहुत हार्ड है ना तो मुझे लग सकता है इसका मैं नर लग रहा है। ये देखो जी पराठा पर क्रिस्पी है ना देखा। ये देखो बहुत क्रिस्पी है इसका मुझे नाम लग रहा है। नहीं मेरा भी क्रिस्पी है। ये क्रिस्पी नहीं कह रही ये क्रिस्पी है। अच्छा रोटी जो है वो क्रिस्पी है। तो यहाँ पर साहिबा भाभी जीतती हुई नजर आ रही है आयशा से। भाभी का एक खत्म हो गया। अच्छा ये ना हो कि मेरी भाभी तुम्हें घर आके हरा के जाए। खाओ 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 लोरी भाभी का एक हो गया। खलास 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 नहीं नहीं आयशा हारना नहीं है। मेरी तबीयत खराब हो जा रही है। नहीं 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 गिव अप नहीं करना। खाओ खाओ यार शायद खाया जाए। राम राम से कहो कोई मसला नहीं है। आज इतना खाने वाली नहीं है। शायद खाया जाए यार साथ साथ वो ड्रिंक पियो ना जरा ताकि एडजस्ट हो जाए। यहाँ पर आयशा सिर्फ अभी ड्रिंक पे लगी हुई और भाभी का डेर खत्म होने वाला है और आयशा ने अभी एक ओपन नहीं किया था। हाँ पता है मैं बहुत कम खाती हूँ फिर भी मैंने पूरा खा ले। देख ले आप पूरा खत्म किया बहुत बड़ी बात है। आप सोच लो तुम देख सकते हो। नहीं यार हैवी है वैसे एक पूरा बहुत हैवी है। एक बर्गर से भी हैवी है मतलब दो बर्गर एक के बराबर। हाँ समझ लो दो बर्गर और एक ही है। हाँ ऐसे ही है। बहुत मुश्किल था मैंने खा ली शुगर करो वरना इसमें भी कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं। अब जो भी ये प्रॉब्लम है वही हो रही है। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ कुछ भी नहीं एकदम से ना मैं बहुत खा चुकी हूँ। किसका खत्म हुआ पहले पहले एक साहिबा खत्म। आयशा क्या किया है मैंने एक खाया बड़ी बात हूँ पता मैं खाती कब हो तुम फिर भी हार जाती तेरा बड़ा खाता है बताओ। एक पूरा खा लिया मैंने स्टार्ट कर दिया दूसरा भाभी का दूसरा तीसरा नजर आ रहा है तो अगर मेरा उनका हो नहीं अगर मैं और भाभी करते हैं ना तो मैं जीतता हूँ। बाबर और किसका बाबर तुम्हारा नहीं अभी तक कोई भी नहीं जीता मेरे से। हाँ मैंने मैंने एक बंदे के साथ चैलेंज करना है बहुत जल्द
बहुत हैवी बंदा है वो जिसके साथ मैंने चैलेंज करना, और वो बहुत हैवी चैलेंज होगा देखना, सही टक्कर का चैलेंज, वो बताऊंगा आपको भी बिहाइंड द कैमरा। अच्छा चलो फिर जी, मेरा अच्छा जी जाऊंगा। आयशा का कितना रह गया अभी? आधे से ज्यादा है। और भाभी का? भाभी खा लें, हाँ खा लें दो यार, दो पूरे हो जाएंगे ना, खा लें। चलो खा लें खा लें खा लें, और हम सेहत से फूले हुए हैं और हम कुछ नहीं खाते हैं, क्योंकि मैं जब से आया मेरी नाक से पूछ सकती मैंने क्या खाया है अभी तक, कुछ नहीं खाया है, ये हम कुदरती फूले हुए हैं। ये ना आप सोचेंगे बंदा मोटा सारा खाता है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जी साहिब बाबा भी विनर हमेशा की तरह, अगर आप 6 साल में चैलेंज करती ना शायद मैं 2 कंप्लीट कर सकती थी। मैंने नाश्ता 12 बजे नाश्ता नहीं किया, मैंने आपसे गलती हुई है कि हमने आयशा को बताया नहीं कि हम चैलेंज के लिए आ रहे, वरना वो कुछ ना खाती। और क्या मैंने खाया? मैंने नाश्ता क्या खाया था? मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस, 1 मलाई के साथ 2 ब्रेड टी खाए। तो अब भाभी सजा भी फिर कोई होनी चाहिए, अब आए हैं तो फिर जाहिर सी बात है कुछ फन क्रिएट करते हैं भाई। बताएं बताएं आप बताएं, लेके आओगी आपने क्या करना है? आज अनमोल बता रही है हमें कि क्या क्या है। ओए अपना बदला ले लिया, कैसे मैंने ऊपर किया क्या? तीनों बच्चे आ गए एक्साइटेड हैं स्नो स्प्रे लेके। चलो बाहर चले जाते हैं स्नो स्प्रे करने को के ऊपर। अच्छा चलो आ जाओ, चलो चलो बाहर आ जाओ, बाहर चलते हैं। चलो इधर जो है वो आज के लूजर चैलेंजर को बाहर ले आया है और इस पे होगी स्प्रे। वो बच्चों को तो देखो कैसे बैठ गए लाइन से, बैठ गए बच्चे। पर इट्स ओके आयशा, अगर तुम इधर हार गई हो, चैलेंज जो है ना वो हारती चलती रहती, पर तुम हम सबकी नजर में बहुत बड़ी विनर हो, सही बात है। सबको अप्रिशिएट करती हो, सबको बूस्ट करती हो आगे, थैंक यू, सही बात है। तो चले जी साहिब भाभी, यार वैसे एक क्लैपिंग आयशा के लिए होनी चाहिए यार। सबको सबको मोटिवेट करती है, बिल्कुल नहीं फिर भी अच्छा की है। हम ऑल ओवर मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, हाँ तुम किया करो, तुम बिल्कुल बिल्कुल हेट भी कहते ना, हाँ हेट कमेंट्स आते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप बोला करो, ये नहीं कि चुप हो जाओ। हाँ मुझे शौक है बोलने का, मैं पहले मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि मैं ना ऐसा कर लूँ। इंसान के दिमाग में होता है कि लोग इतना बुरा कह रहे हैं, आप पीछे हो जाए किसी की वीडियो में ना बोले। और हाँ एक चीज मैं, और हमारी वीडियो बन रही है, मैं कभी आपसे या आपके बच्चों से जेलस हुई? अल्लाह माफी दे, मैं जितना प्यार करती हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि मैं, मेरे दिल में इसके लिए या मेरे, वो भी मेरे
ही बच्चे हैं हमेशा कहा जाता है कि उनके बच्चों से होता है मेरा उसका क्या कंपटीशन है, मैं उसे उम्र में बड़ी हूं, मैं रिश्ते में बड़ी हूं, उसका मेरा कोई कंपटीशन थोड़ी नहीं। इतना तो प्यार है उनके अंदर यार, मैंने कभी भी उसको अपनी नंद कंसीडर किया ही नहीं, हमेशा छोटी बहन है, उनसे बहुत छोटी मुझे पता ही नंद भाभी का रिश्ता करता हमारा तो सब एक दूसरे तो से ही है सारे फ्रेंड्स तो अब देख रहे हो चुम्मी दे रहे भाई जो मुझे अक्सर इंस्टाग्राम पे भी और बाहर पे भी कमेंट करता है कि मोमना अच्छा आप मुझे भी सीख जैसे इकरा के दिमाग में आ गया था कि मैं पीछे चली जाऊँ, मुझे भी आता है कि जब लोग इतना हेट करे मैं दिल करता मैं किसी के व्लॉग में ना बोलूँ तो आ जाती हूँ, पर मैं कहती मैं अपना नहीं कंट्रोल कर पाती, मैंने कहा नहीं किसी का ध्यान से बस हेलो जी हो रही है चलो आए इसको शेक करें और करें और करें शेक करें शेक करें अनमोल ने लगता आते भाभी ये लगा देगी यही लगा देगी जो आगे आपके ऊपर गिर गया अनमोल ने तो खत्म हो गया थोड़ा शराह गया था बस अच्छा चलो ठीक है चलो इतना भी बहुत है आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चैलेंज कैसा लगा है और नेक्स्ट चैलेंज क्या होना चाहिए वो भी लाजमी बताइएगा कि मोमना के साथ हो या आयशा हमारे घर आकर चैलेंज करे साहिबा भाभी के साथ या आहत के साथ, आयशा और आहत का चैलेंज होना चाहिए वैसे ये फर्स्ट आइडिया हाँ हाँ आप कर लेना आप कर लेना आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो फिर आयशा तुम आना आहत के साथ चैलेंज करें। वैसे मैंने एक और चैलेंज सोचा है आयशा मोमना में जो भाभी के साथ हम करेंगे ओके ठीक है भाभी हमारे घर में कोई टफ चैलेंज दे सकते चलो ठीक है देख वो आप डिसाइड करेंगे लेकिन ये नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग्स बहुत मजे के होने वाले हैं सो स्टे ट्यून्ड गाइस तीनों के चैनल्स को करें सब्सक्राइब और अपनी दुआ में याद रखें नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करें तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।